का नाम लेकर पहना हुआ ये मंगलसूत्र वापस ले ले। लगता है बहता हुआ खून देखकर तुझे बड़ी खुशी होती है ना? तभी तो हर तरफ खून की नदियां बहा रही है तू, और उसी बहाव में मेरा सिंदूर भी बह गया। देख देख मेरी बेटी अनाथ हो गई। पता, एक डाकू और एक तवायफ का इस मासूम मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? और अगर नहीं बता सकती तो एक मां बनकर इस दुनिया में आ, फिर देखना जो दर्द तुझे देवी बनकर नहीं मिला वो दर्द तुझे मां बनकर मिलेगा। कहां जा रही है बेटी तू? ले मां, सुल्तान की अमानत संभाल कर। जिन लोगों ने मुझे कठपुतली बनाकर नचाया है, अब मैं उन्हें मौत के अंगारों पर नचाऊंगी। कर इन कागजात पर अंगूठे लगाते जाओ, और जो कोई भी इनकार करेगा इस हंटर से उसकी पीठ पर अपना नाम ठाकुर दुर्जन सिंह लिख दूंगा। लेकिन छोटे ठाकुर, इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है हमारे दादा ने जो तुम्हारे पुरखों को कर्जा दिया था उसका ब्याज मिलाकर इतना हो गया है कि अगर तुम्हारे घरों के कब्जा कर लिया जाए तो भी ये पूरा नहीं हो सकता। उसी का इकरारनामा है ये झूठे छोटे ठाकुर, झूठे। तुम झूठे हो, तुम्हारे कागजात झूठे हैं। बापू तो कहता है कि हम पर कोई कर्जा नहीं है, सारे का सारा चुकता कर चुके हम। गरीबी के बाल से लिपटे हुए कंगाल मुझसे जबान लाता है। आ, 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 उधेर दो खाल इसकी। मारो साली को। ए, मेरे बाप को हाथ मत लगाना। मत मारो इसे छोटे ठाकुर, मत मारो इसे। मेरे बुढ़ापे का एक ही तो सारा है सरकार, छोड़ दो इसे सरकार, छोड़ दो। तूने इसे पैदा होते ही क्यों नहीं सिखाया कि ठाकुर के मुंह लगने वाले को मौत को गले लगना पड़ता है? भूल हो गई सरकार, नादान है सरकार, माफ कर दो सरकार, इसे मैं अंगूठा लगाने को तैयार हूँ सरकार। ठीक है, किसी को और कुछ कहना है? चलो अंगूठे लगाओ। आजा। अभी चुपता हुआ चल। हेलो बेटे, ये सीधा नाम है ना? हाँ। चल जुआ। हो गया चराट, हो गया छोटे ठाकुर। पिताजी कहाँ है? अपनी औकात मेरा झब्बो, तू हमारी रखेल है रखेल। और चाहे कुछ भी हो लेकिन औलाद के बिना अधूरी रहती है। तेरे कहने से ठाकुर, मैं पहले भी दो बार बच्चा गिरा चुकी हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस बार तो मुझे माँ बन जाने दो, माँ बन जाने दो ठाकुर, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। पैर पड़ती है तो सिर्फ पैरों में पड़ी रहे। जिस दिन हवेली से बाहर फेंक दूं, उस दिन किसी बेवकूफ का हाथ थाम कर मां बन जाना। लेकिन जब तक तू उस हवेली में है, तुझे हमारी सिर्फ रखेल बनकर रहना होगा। नहीं ठाकुर, नहीं। जो वक्त से पहले मौत को बुलाती है, जा किसी दाई के पास और समझ गई ना।
पिताजी, मैं सारे किसानों से अंगूठे लगवा लाया हूँ, ये लीजिए। वाह, बहुत खूब। किसी सर फिरे ने बगावत करने की जरूरत तो नहीं की। जिस तरह शेर के दहाड़ने से बंदर पेड़ से टपकने लगते हैं, उसी तरह मेरे कहर से सब लोग डर के मारे कांपने लगे और फिर आंखें बंद करके अंगूठे लगाते गए। शाबाश बेटे, शाबाश। एक बात याद रखना, जुल्म की ठोकरों से हमेशा इन गरीबों और कमजोरों का सर कुचलते रहना, तभी तुम इन पर हुकूमत कर पाओगे। बेटे, आज हम तुम्हारी पहली कामयाबी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, और इसी खुशी में हम एक शानदार जश्न मनाना चाहते हैं। अबे ओ शेरू। जी सरकार। जा, फिर कोई ऐसी नचनिया लेकर आ जिसके डोलने पर सारी दुनिया डोले। ए बुढ़िया, पुतली कहाँ है? क्या काम है? ठाकुर जगावर सिंह ने पुतली को मुजरा करने के लिए हवेली बुलवाया है। माँ, सुना है ठाकुर जगावर सिंह अच्छा आदमी नहीं है। तुम लोग जाओ, पुतली दीदी वहाँ नहीं जाएगी। अच्छा, पुतली वहाँ नहीं जाएगी तो तू चल, और वहाँ जाकर ठाकुर की बहू में मचल। चल ठाकुर के दलालो, जी भर कर लात घुसे खा लो, क्योंकि यहाँ जो जबरदस्ती करता है उसको यही इनाम मिलता है। जाएगा और ना ही मैं वो दूध मलाई हूँ जिसे वो चाट जाएगा। ठाकुर के साथ पंगा लेकर तूने अच्छा नहीं किया पुतली। अरे मैं वो कली हूँ जिसमें बारूद भरा है, लोग कहते हैं पुतली बाई नाम मेरा है। We'll be right back.
नचनिया पुतली बाई की इतनी मजाल कि उसने ठाकुर जंगावर सिंह की हवेली में आने से इनकार कर दिया। लेकिन मैं उसके इनकार को इकरार में बदल दूंगा पिताजी। पहले उसे ठाकुरों की ठोकर का मजा चखाऊंगा, उस बारूद से भरी कली में ऐसी आग लगाऊंगा कि वो पुतली बाई मेरे इशारों पर कठपुतली की तरह नाचेगी। मैं कहूंगा उठ तो उठेगी, मैं कहूंगा बैठ तो बैठेगी, मैं कहूंगा चल तो वो दौड़ी चली आएगी। रुक जा मेरे भैया, मुझे भी राखी बांध लेने दे। नहीं, मैं तुझसे कभी राखी नहीं बंधवा सकता। क्यों क्यों तो इससे राखी नहीं बंधवाएगा? अरे एक तो हमें छोड़कर दूसरे गांव में रहता है, घर के अंदर भी नहीं आता। क्या हो गया है बेटा तुझे, क्यों इससे राखी नहीं बंधवाएगा? क्योंकि एक नाचने वाली तवायफ मेरी बहन नहीं हो सकती। क्या क्या बोला तू? आज ये तेरे लिए तवायफ हो गई? अरे याद है तुझे जब तू छोटा सा था, तेरा बाप साहूकार के कर्जे से तंग आकर पता नहीं हमें छोड़कर कहां चला गया। उसके बाद हम सबको पालने के लिए इस बेचारी ने अपने पैरों में घुंघरू बांधे। अरे इसका इतना बड़ा एहसान तू कैसे भूल सकता है? माँ, इत्तफाक से अगर कभी कीचड़ जख्मों को ठीक भी कर देना, तब भी वो मरम नहीं, सिर्फ कीचड़ ही कहलाता है। बुदले, चल हम तुम्हें लेने आए हैं। कौन है तू? हम ठाकुर जगावर सिंह के बेटे तुरजन सिंह हैं। चल वापस चला जा, नहीं तो तेरे गम में तेरा बाप सर पर हाथ रखकर रोएगा। अगर तू नहीं चली तो अपनी माँ की लाश पर सीना पीट पीट कर रोएगी। वो देख पुतली। ये पुतली सोचना छोड़ दे, अगर गोली चल गई तो सोचने को कुछ नहीं बचेगा। ठीक है मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चल। ए बुढ़िया सुन ले, पुलिस थाने जाने की सोचना भी मत, क्योंकि वहाँ भी हमारा सिक्का चलता है, वहाँ भी तेरी फरियाद कोई नहीं सुनेगा। चल चलो। कोई सुने न सुने लेकिन गरीबों की फरियाद डाकू सुल्तान सिंह जरूर सुनेगा। पट्टी खोल दो। बोल माई क्यों परेशान है? ठाकुर जगावर का बेटा दुर्जन मेरी बेटी पुतली को जबरदस्ती उठाकर ले गया है, उसे मुजरा कराने के लिए। पता नहीं वो मेरी बेटी का क्या हाल करेगा। मेरी बेटी की इज्जत बचा लो सुल्तान, मेरी बेटी की इज्जत बचा लो। कन्या की माँ, ओ कन्या की माँ, प्रसाद क्यों बनता है? बांटने के लिए नाखून क्यों बढ़ते हैं? खुजलाने के लिए? और सुना नचनिया क्यों बनती है? नाचने के लिए। वो सारी रात नाचेगी, नचाएगी, कुछ खाएगी, कुछ कमाएगी और सुबह अपने आप वापस चली आएगी। रंगा मत भूल कि आज पहली बार एक तवायफ की मां ने अपनी इज्जत की दुआएं दी है। मुझे याद आ रही डाकू मानसी की वो कहावत कि तवायफ की चोली हो या डाकू की बंदूक की गोली हो,
उससे देने वाला यही जालिम समाज है जो फूलों को काटा बनाता है, मजबूरी को हवस के शोलों पे नचाता है। बेफिक्र होकर जा माई, तेरी बिटिया सही सलामत घर पहुंचाएगी। सरदार, ठाकुर जगावर सिंह का जुल्म अब बढ़ता ही जा रहा है। उसने गरीब किसानों के अंगूठे सादे कागजों पर लगवाकर उनकी जमीनें हड़प लिए सरदार। मालूम है, इसलिए एक साथ आज हो जाएगा एक पंथ दो काज। अगर नाच देखने आए हो तो बैठ जाओ, और अगर किसी गलत इरादे से आए हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ, क्योंकि हम अपनी इस हसीन हवेली को तुम्हारे गंदे खून के छींटों से दागदार नहीं करना चाहते। पैरों में लकवा मार गया है तो चुपचाप बैठ के अपनी तबाही का तमाशा देख, नहीं तो फिर अदब से खड़ा हो जा। सुल्तान सिंह, अगर कोई तुम्हारा असली बाप है और तुम उसकी जायज औलाद हो तो हमें अपनी इस जगह से खड़ा करके दिखाओ। मैं तो अपने बाप की असली औलाद हूं, मगर तेरे बारे में सुना है कि जिस दिन तेरी मां इस घर में ब्याह रचा कर आई थी तो पहले से ही तू उसके पेट में मौजूद था। सुल्तान सिंह, देखा ठाकुर, मेरी एक छोटी सी बात ने तुझे कैसा खड़े होने पर मजबूर कर दिया। तूने मुझे झूठी गाली देकर खड़ा किया है, अब मैं तेरे सीने में असली गोलियों की बौछार करवा कर तुझे हमेशा के लिए लेटने पर मजबूर कर दूंगा। कल्लू रामू जगो। नहीं ठाकुर, नहीं, तेरे सारे आदमी अब मेरे आदमियों के निशाने पे हैं। देख, ठाकुर, हम नर्क जाने से पहले नर्क की आग को काबू में करने का बंदोबस्त कर लेते हैं। ठाकुर, अब तेरी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है, अब बता कि वो सारे बही खाते कहां पर है जिन पर अंगूठा लगवा के तूने गरीब किसान को गुलाम बनाकर रखा है, बोल। वो बही खाते जहां रखे हैं वहां तू तो क्या, तेरे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते। बता, नहीं तो तू ऊपर पहुंच जाएगा। बता सरदार, पुलिस। ठीक है ठाकुर, ठीक है, बही खाते कभी और वसूल कर लूंगा। चल पुतले, तुझे घर छोड़ दो। छोड़ दे मुझे, मैं एक डाकू के साथ कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ पर रहेंगे तो ये बाप बेटे तुझे नोच कर खा जाएंगे। चल चल। सुल्तान सिंह पिछवाड़े गए, जाओ देखो। गया साला, लेकिन देखता हूं हरनाम चौधरी से कितने दिनों तक बच सकता है। लेकिन तूने यहां आते आते इतनी देर क्यों कर दी? मैं दावे से कहता हूं पिताजी कि आते आते जरूर कहीं कवाली सुनने रुक गया होगा। छोटे ठाकुर ठीक कहते हैं, मैं यहां आते आते कवाली सुनने के लिए रुक गया था। वाह, क्या कवाली थी, वाह वाह वाह। हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। मरवाएगा, तेरा ये कव्वाली सुनने का शौक तुझे एक दिन जरूर मरवाएगा। देखा जाएगा, मगर पहले तो ये देखना है कि सुल्तान सिंह पुतली बाई को उठाकर क्यों ले गया। मैं कहती छोड़ दे मुझे,
नहीं चाहिए मुझे तेरा एहसान, नफरत करती हूँ मैं डाकुओं से। चुपचाप बैठ रहे, यह वही होगा जो मैं चाहूंगा। शेर सिंह निकाल गोली। अब इसकी मरहम पट्टी कर दो, फिर मैं इसे इसकी मां के पास छोड़ाऊंगा। ले माई, संभाल अपनी अमानत। मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा किया, चलता हूं। चलो। अरे बेटी, ये क्या हुआ? रुक जा पुटली, पहले मेरे सवालों को जवाब दे। पूछ। सुल्तान तुझे उठाकर कहाँ ले गया था? अपने ठिकाने पर। कहाँ उसका ठिकाना? वो मुझे अपने ठिकाने पर आंखों पे पट्टी बांध कर ले गया था, और उसके ठिकाने से निकलते ही मैंने अपनी आंखों से पट्टी निकालकर फेंक दी थी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर पुटली, जरूर तुम्हारा और उसका कोई पुराना संबंध है। उसका मेरा कोई संबंध नहीं तो है। क्यों लेकर गया था? अरे जब ठाकुर का बेटा मेरी बेटी को उठाकर ले गया था तब तू कहा था, अब जब मेरी बेटी सही सलामत घर आ गई है तब तू आया जले पे नमक छिड़कने। ज्यादा बकवास मत कर बुढ़िया, वरना नमक के साथ साथ मिर्च भी छिड़कूंगा। पुटली एक बात सुन ले, जिस दिन ये साबित हो जाएगा कि तेरा सुल्तान के साथ कोई संबंध है तो तू जेल के सलाखों के पीछे होगी, समझे? बड़ा आया जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाला। सरपंच, फसल की बुआई का टाइम भी नजीक आ गया है। हाँ हाँ, चोरे सरपंच, तूने हमरे साथ घात का है क्या? बोल। नहीं, नहीं। जेल जाते वक्त हम बोल गए ना कि तू अपने गांव वालों से पैसा लेकर हमरे और हमरे साथियों के लिए अफीम, गांजा और शराब भेजेगा, फिर काहे नहीं भेजा? तुम्हारे जाने के बाद हम गांव वाले बुरी तरह से बाढ़ और सूखे की चपेट में आ गए थे। चुप! अब तुम ही बताओ, जो खुद कंगाल हो वो ये सब तुम्हें कैसे देगा? अरे रामजादे, तुम लोगन महाकाल से झूठ बोलत हो। छोड़ दिया, जा तेरे बापू को मैंने छोड़ दिया, मगर तुझे मैंने पकड़ लिया। छोड़ दे मेरी बेटी को, मत लेके जा महाकाल, छोड़ दे। आओ, तो दर्द भरी आवाज ने अपने हमदर्द को यहाँ बुला ही लिया। हमदर्द वही होता है जिसके दिल में दर्द होता है, और जिसके दिल में दर्द होता है वही असली मर्द होता है। सिर्फ बंदूक चलाने से और घोड़े दौड़ाने से मर्द नहीं बन जाता। तेरे जैसा मर्द ही कुत्ते की औलाद कहलाता है, क्योंकि कुत्ता भी माँ बहन की तमीज नहीं जानता है। तू आज कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि तेरे साथ फौज है और मैं हूँ अकेला। ये तो वही मिसाल हुई भाई कि दो हिजड़ों ने मिलकर एक आदमी को मारा, एक भया चांद तुझा बन गया तारा। अबे तू मर्द है ना, तो अकेला अकेला लड़।
सोचा था मेरी कुंगली तेरी मौत का कारण बन जाएगी, मगर लगता है कि मरने से पहले तुझे अपनी हड्डियां तोड़वाने का बहुत शौक है और तेरा ये शौक मैं पेट भर के पूरा करूंगा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। देख अब मैं बिल्कुल निहत्ता हूं। छा जाती है, जरा अपने मुखड़े को देख, हरियाली छा गई है। अब जूम से इसको जूम नहीं, तुझे राम को प्यारा हो जाएगा। सरदार, नेकी राम की बिटिया की शादी है तो फिर सोचता क्या है, भिजवा दे 25,000। नहीं चाहिए मुझे तेरा एहसान, मैं नफरत करती हूँ डाकुओं से, नफरत। क्या बोलो सुल्तान, बड़ी मुस्कान मार रहे हो? कुछ नहीं रंगा, बस पुत्री की याद आ गई थी। अरे जरा जोर से दबाना। उई मा, इतनी जोर से दबाने को थोड़ी कहा था। बात तू तू यहाँ क्यों आया? तेरा हालचाल पूछ रहे, कहो कैसा है? भरने लगा है। बैठने को नहीं कहोगी? रजनी जा जाके सुल्तान को पानी पिला दे, साथ में घोड़ा चबेना भी दे देना। पुतले मेरी बात सुन। क्या है? मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तुझसे प्यार रचाना चाहता हूँ। तू ये साफ साफ क्यों नहीं कहता कि प्यार की आड़ में तू मेरे बदन से खेलना चाहता है? मत भूल के ठाकुर सुल्तान सिंह औरतों की इज्जत करता है। तू अगर मर्द होती तो अब तक तेरी लाश गिर चुकी होती। सुल्तान सिंह, पुलिस! कहाँ है सुल्तान? सुल्तान कहाँ है? भाग गया। भाग गया? तूने उसे भगा दिया? मैंने नहीं, तूने भगा है। मैंने? अरे आना ही था तो चुपचाप से आना था। वाह वाह करते करते आया है क्या? अपनी अम्मा की बारात में आया है? और ये बाजा क्या, तेरी अम्मा की बारात में बजने वाला था? बता ये यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? मैं जानता हूँ तुझे मालूम है। ये हथियार तू सुल्तान के हाथों बेचना चाहती थी और मेरे आने से तेरा खेल बिगड़ गया। नहीं दरोगा साहब,
मेरी दीदी ऐसी नहीं है। अरे तेरी दीदी कैसी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, समझे? अच्छी तरह से जानता हूँ। जेल में जब इसे मार पड़ेगी ना, खूब मार पड़ेगी, तो पट पट करके सब कुछ बोल देगी, सच क्या है और झूठ क्या है। चल बोले चल। अरे हे भगवान, तू बार बार दीदी को क्यों मुसीबत में डालता है? अरे तू चाहे मुझे जेल भेज दे, काल कोठरी में बंद कर दे या फांसी पर भी चढ़ा दे, मगर ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि सुल्तान से मेरा कोई संबंध है और मैं उसे हथियार भेजती हूँ। जिस तरह सपेरा नागिन की गर्दन को दबाकर उसे जहरीले दांत तोड़ देता है, ठीक उसी तरह मैंने तुझे ऐसी जगह और बंद कर रखा है जहाँ बड़े बड़े मच्छरों का मेला लगेगा, समझी? फिर वो लोग तुम्हारे कानों में कव्वालियां गाएंगे, उसके बाद तुम्हारे बदन को काट काट कर सुझा देंगे, फिर किसी सुराग में से चुपकलियां निकलेंगी जो तुम्हारे बदन के मांस को नोच डालेंगी, उसके बाद पुतली कबूल कर लेगी। ऐसा जुल्म मत करो दरोगा साहब, इस कली को करम कल्ला बनाकर मेरे दिल में हल्ला गुल्ला मत मचाओ। नहीं छोटे ठाकुर, कल सुबह तक इसका बदन इतना बदसूरत हो जाएगा कि कोई मुजरा देखने वाला इसकी जवानी पर एक रुपया नहीं फेंकेगा। मगर मैं इसकी एक रात के लिए 10,000 रुपए बरसा सकता हूँ और इसकी जमानत भी करा सकता हूँ, अगर ये मान जाए तो। बोल पुतली रानी, क्या इरादा है? तुम ठीक कहते हो छोटे ठाकुर, मैं अपने हुस्न को बर्बाद होते हुए भला कैसे देख सकती हूँ। सुन लिया दरोगा, तुम जाकर इसकी जमानत के कागजात तैयार करो। मैंने कब मना किया है? हा? शुक्रिया शुक्रिया। अरे देखते क्या, आ जाओ सब लोग, चलो। अरे ओ दरोगा बाबू, जाते जाते दरवाजा बंद करके ताले की चाबी मुझे दे देना। क्यों? तेरा क्या भरोसा, कभी बीच में दरवाजा खोल के रंग में भंग कर दिया तो? क्यों छोटे ठाकुर? हाँ हाँ चाबी दे दे। ठीक है। ये ले चाबी पुतले। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे ये हुरूर क्या कर रहा है? जिस तरह गाड़ी साड़ोने से पहले घुरघुर करती है जाने मन, उसी तरह प्यार करने से पहले मैं हुरूर करता हूँ। अरे छोटे ठाकुर, पहले ये तो जान लो कि प्यार करने से पहले मैं क्या करती हूँ। अरे जो भी कर रहा है जल्दी करो। जल्दी तो मुझे भी है छोटे ठाकुर। रुक जा पुतले, पुतले, पुतले क्या कर रही है तू? छोड़ो ऐसे, चाबी दे दे मुझे। जब तक इसके हाथ पैर नहीं तोड़ दूंगी तब तक चाबी कभी नहीं दूंगी। पुतले वरना मैं गोली से मार दूंगा। आज जो तूने मेरी हालत की है। फिक्र मत करो ठाकुर, मैं इसे कल अदालत में पेश करके 14 दिन के रिमांड पर ले लूंगा, फिर दिन रात कव्वाली गाती रहेगी। बोल गजवा, क्या खबर लाया है? गजब हो गया सरदार, पुतली को पुलिस पकड़ कर ले गई है सरदार। क्यों, क्या क्या उसने? क्योंकि इंस्पेक्टर हरनाम चौधरी को शक है कि पुतली आपको गोला बारूद पहुंचाती है। अरे झूठ बोलता है वो हरामजादा। झूठ इसलिए सच बन गया सरदार क्योंकि आप अपने पिस्तौल वहां छोड़ाए थे। मारे सरदार, दिल फेंक आशिक बनकर गए थे, पता नहीं दिल फेंक आए या नहीं फेंक आए, पर पिस्तौल जरूर फेंक आए। तू तू भाड़ में गई पिस्तौल, और भाड़ में गई वो
पुतली भाई। नहीं रंगा, पुतली अगर हमारे कारण मुसीबत में फंसी है तो उसे वहां से निकालना भी हमारा कर्तव्य है। कुछ नहीं साहब, ये मेरी औरत को छेड़ रहा था। मेरे थानेदार स्वामी, पुतली के कोट पहनने से पहले हम पहुंच गए। ले लो सबके हथियार। ले लो, ले लो, मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करो, इसके हथियार कब्जे में कर लो। पुतली चल। कहाँ? मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ। सुल्तान को ना सुनने की आदत नहीं है। चल। छोड़ दे मुझे। चल। चल। और चुपचाप पड़े यहाँ पर। मैं पूछती हूँ आखिर तेरा मेरा बैर क्या है? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है? क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पर? क्यों? कि मैं तुझे किसी मुसीबत में फंसा हुआ नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्या लगता है तू मेरा? मैं तेरा कुछ नहीं लगता, मगर तू मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। प्यार? कैसा प्यार है रे तेरा, जिस प्यार ने मुझे एक फरार मुजरिम बना दिया, वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए। गांव जाऊंगी तो पुलिस पकड़ेगी, यहाँ रहूंगी तो लोग कहेंगे कि एक डाकू की रखेल बन गई। डाकू, डाकू, डाकू! क्या डाकू हाथ में बंदूक लेकर पैदा होता है? तुमने कभी सोचा है एक अच्छा भला आदमी डाकू कैसे बनता है? पुलिस की नाइंसाफी, जमींदारों का जुल्म, भूख प्यास और इंतकाम की आग एक इंसान को डाकू बनाती है। और फिर वो वही करता है जो उसके साथ हुआ था, लोगों को लूटना, लाशें गिराना और उन्हीं के लहू की लाली से अपनी तकदीर लिखना उसकी आदत बन जाती है। लगता कि कभी तेरे अपने का गला नहीं काटा, हमसे कभी तेरा कलेजा नहीं फटा। अरे कलेजा तो मेरा फटा था, मेरा जब मैं पढ़ता था। मेरे पिताजी गरीब किसानों में जुल्म के खिलाफ जागृति पैदा कर रहे थे, तन मन धन सब एक साथ लगाकर। और वो इस दिन की बात है जब नेकी राम, दरवाजा खोल, आज जग डाकू तेरी लाश गिराने आया है। गांव वालों, अपनी खिड़कियों से झांक कर देखो कि जग डाकू के साथ बददारी करने का अंजाम क्या होता है। सुल्तान, सुल्तान बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? तेरे बाप को जग्गा डाकू ने मार डाला। हाँ। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? किसने मारा पिताजी आपको? सुल्तान, जग्गा डाकू ने। नहीं पिताजी, नहीं। पिताजी, मैं जग्गा डाकू को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा पिताजी। और फिर जग्गा डाकू से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, गरीबों की मदद और बहु बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए मैं डाकू बन गया। देख इस गोली को, इस पर मेरे जग्गा का नाम लिखा है, क्योंकि जिस दिन मेरे बाप का कातिल मेरे सामने होगा, उस दिन इसी गोली से मैं उसका सीना फाड़ूंगा। मर गए हमको मारने वाले, देखा सुल्तान से हमदर्दी करने का अंजाम के भूख। गांव वालों के सरों पर मौत बनकर मंडरा रही है। गेहूं जिसका रंग धूने जैसा होता है, आज सोने के भाव बिक रहा है। और सरकार ने गरीबों की मदद के लिए जो अनाज भेजा है, वो अनाज तो हमारे गोदामों में जमा हो रहा है। पिताजी मान गए आपको, कौए और लोमड़ी को अगर मक्कारी सीखनी है तो वो आपसे सीखे। नहीं बेटे, ये मक्कारी नहीं है, ये इंतकाम है उन गांव वालों से जिनकी मदद के लिए सुल्तान हमारे पास आया था।
और अब भी सुल्तान आपकी ताक में ठाकुर साहब, मगर उसे खत्म करने का ये अच्छा है ठाकुर साहब, हम उसे खबर कर देते हैं कि आपने अनाज कहाँ छुपा रखा है। बहुत अच्छे, ताकि वो हमारे गोदाम पर छापा मारे, अनाज लूटकर गरीबों में बांट दे और हम भूखे मर जाएं। दरोगा, लगता है तेरी अकल घास चरने गई है। अकल घास चरने नहीं ठाकुर साहब, बल्कि अभी कवाली सुन के आ रही। उस कवाल ने भी क्या शेर कहा है, जब जब धोखेबाज गुलशन में नकली फूल लगाते हैं, तब तब बेचारे भंवरे धोखे में मारे जाते हैं। दरोगा एक काम कर, पुलिस की नौकरी छोड़ दे, ये वर्दी उतार और कव्वाल बन जा। कव्वाल नहीं ठाकुर साहब, कमिश्नर बनूंगा एक दिन कमिश्नर। जब सुल्तान को पता चल जाएगा कि बेचारे गांव वाले दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, उसे ये भी पता चल जाएगा कि वो सारा अनाज आपने काली पहाड़ी वाली गोदाम में छुपा रखा है, तो उस गोदाम को जरूर लूटना आएगा और तब पुलिस के हाथों मारा जाएगा। दरोगा, अब सुल्तान की मौत ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मगर ये खबर सुल्तान तक पहुंचाएगा कौन? सुल्तान तक ये खबर मेरा खबरी पहुंचाएगा। दादा, ये आपके लिए कोई बढ़िया खबर लाया है। अच्छा, क्या खबर है? सरकार माई बाप, ठाकुर ने सारा अनाज काली पहाड़ी के पीछे वाले गोदाम में छुपा रखा है। गांव वाले दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ठाकुर शहर गया हुआ है, मौका अच्छा है, आज रात सारा अनाज लूटकर गरीबों में बंटवा दो सरकार। क्या नाम है तेरा? बिल्लू कछुआ। बिल्लू, तू खबर बहुत अच्छी लाया है। सरकार, फिर इनाम भी तो बढ़िया मिलना चाहिए। मिलेगा, जरूर मिलेगा, यहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये पुलिस का आदमी था, हा? जिसे इंस्पेक्टर हरनाम चौधरी और ठाकुर ने भेजा था। पुलिस का आदमी? अब क्या हुआ? अब अनाज हम नहीं लूटेंगे, बल्कि ठाकुर खुद अनाज बांटेगा। उस हिजड़े की तरह मातम मनाएगा जिसकी ढोलक चोरी हो गई। क्या बात है सुल्तान? हम तेरी नन्ही सी जान को दो दिन के लिए अपना मेहमान बनाकर रखना चाहते हैं। नहीं, मेरी हाँ को नहीं में बदलने वाला इस दुनिया में जिंदा नहीं रहता। बांध दो इसकी आंखों पट्टी और पहुंचा दो ये खबर उसके बाप तक। ठाकुर जंगावर सिंह, गोदाम की खबर मुझ तक भेजकर तूने ये सोचा होगा कि मैं तेरे और तेरे उस उल्लू के पट्टे दरोगा के झांसे में आ जाऊंगा। सुन, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, मेरी बात का यकीन आ जाए इसलिए उसकी अंगूठी भेज रहा हूं। उसे जिंदा देखना चाहता है तो अपना सारा अनाज गरीबों में बांट दे, नहीं तो मैं तेरे बेटे को दो टुकड़ों में बांटकर तेरे पास भेज दूंगा। सुल्तान सिंह आरामजादा। क्या ठाकुर गरीबों में अनाज बांट रहा है? अरे, इस जानवर में देवता के गुण कब से आ गए? लगता है कि ठाकुर पागल हो गया है। पागल नहीं हुआ माँ, जरूर कोई राज की बात है, वरना वो कमीना हम गरीबों को अनाज दे सकता है? हो ही नहीं सकता। अरे ज्यादा सोचो मत, अनाज लेके जाओ। अरे सुनो गांववालों, जल्दी आओ और जितना अनाज चाहे मुफ्त में ले जाओ। मुफ्त में? हाँ बिल्कुल मुफ्त में। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, झोली फैलाओ और अपने बाप का माल समझकर चुपचाप मुफ्त में अनाज ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठाकुर साहब, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आज अचानक मेरा दिल दरिया और हर चीज समंदर हो गई है। ठाकुर साहब, हम आपके खेतों में काम करते हैं, अगर शरीर पर एक भी अनाज का दाना चिपका रह जाए तो आप उसे थप्पड़ मारकर नोच लेते हो, मगर आज ये क्या? अरे यूं समझ लो कि ठाकुर साहब की काया पलट गई है, उल्टी अकल सीधी हो गई है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, चुपचाप अनाज ले जाओ, वरना ठाकुर साहब अभी अभी रो पड़ेंगे। अरे जाओ ना यार, क्यों दिमाग चाट रहे हो, जाओ, मुफ्त का माल है, लूटो, जाओ।
आज आ जाओ, जल्दी जाओ। आओ लेके जाओ अनाज, आके लेके जाओ। चलो भाई। भगवान, इन सब की तरह मैं भी झोली फैलाता हूँ। हे भगवान, इस सुल्तान के मुंह में कीड़े पड़े, पेट में बड़े बड़े गोले उठे और सिर इस तरह चकराए कि वो कभी उठने के काबिल ना हो। पूरे गांव को बांटना है सुल्तान। जब तू मरेगा तो तेरी चिता पर मैं कवाली गाऊंगा। नाच मेरी जान, नाच मेरी जान, मर गया सुल्तान, मर गया सुल्तान। कैसी लगी मेरी का? अबे तुझे कव्वाली की पड़ी है और यहाँ मेरी जान मेरे बेटे दुर्जन में अटकी है। पता नहीं वो बेचारा मासूम किस साल में होगा। ओ मेरे लाल, ओ मेरे गुलाल, खाना खा ले, तुझे मेरी जुल्फों की कसम, खाना खा ले। खा ले बचवा, खाले खाले खाले। मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ये चमड़े जैसी रोटी, ये बदबूदार सब्जी और ये सड़ा हुआ अचार खाओ मेरे सामने से। हरामजादे, जिस खाने के लिए बच्चा अपना बचपन, शरीफ लोग अपना ईमान और लड़की अपनी इज्जत बेच देती है, उस खाने का अपमान किया है तूने। खा, यही खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पेट में छाले पड़ जाएंगे। तेरा बाप गरीबों को यही खाना खाने पर मजबूर करता है और खुद उन्हीं के उगाए हुए खुशबूदार बासमती चावल खाता है। छोटे ठाकुर, ये खाना खा। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। झुमरो ननको। छोटे ठाकुर, खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो भी यही खाना है। खा 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 ले, खा हरामजादे, खा खा हरामजादे, खा और खा। डाला रे, लगता है मेरा पेट अभी फट जाएगा। डाला रे। छोटे ठाकुर, आपको उल्टा सीधा खाने की क्या जरूरत थी? अरे इसने कुछ नहीं खाया है। उस सुल्तान के बच्चे ने इसे दो दिन तक जबरदस्ती उल्टा सीधा खिलाया है। अब समझा ठाकुर साहब। छोटे ठाकुर, गरीबों को खाना खाने की आदत नहीं है ना? हाँ, नहीं है। लेकिन एक बात कहना तो नहीं चाहिए, मगर कहना चाहूंगा, इनका पेट हमेशा के लिए खराब हो चुका है। भाई इसका कोई इलाज तो होगा ना? इलाज है ठाकुर साहब, सिर्फ एक ही इलाज है। जल्दी बोलो क्या है। इन्हें जिंदगी भर लोटे की जरूरत पड़ेगी। लोटे की? क्यों? क्योंकि इन्हें लोटे भर पानी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरे बेटे को सारी जिंदगी अपने हाथ में एक लोटा लेकर चलना होगा? नहीं। बले बले। आप कितने से कहां? रंगा, तू? तू यहाँ क्या कर रहा है? पानी से नहा रही है। ये पानी, तू पानी, मैं अपनी। नहीं, नहीं, छोड़ दे मुझे, बचाओ, बचाओ, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे रंगा, छोड़ दे, बचाओ, छोड़ दे, छोड़ दे, बचाओ, बचाओ, बचाओ,
मर गया साला। सुल्तान समझता होगा केरंगा मर गया। अरे रे रे, उठो मत, तुम्हारे पैरों में भी कमजोरी बाकी है और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तुम इस छड़ी के सहारे चल सकते हो। डॉक्टर क्या कहा, छड़ी के सहारे चल सकता हूँ? नहीं डॉक्टर नहीं, रंगा इतना कमजोर नहीं वो इस छड़ी के सहारे चल सके। ये देख, छड़ी खुद बेसहारा हो गई। भला वो रंगा को क्या सहारा दे? डॉक्टर, रंगा के पास सिर्फ दो जिंदगी मेरे जख्म है, एक जख्म जो पुतली भाई ने मेरे दिल पे लगाया और दूसरा जख्म जो सुल्तान ने मेरे दिमाग पे लगाया। इन दोनों जख्मों को भरने के लिए अब मुझे सुल्तान के दुश्मन ठाकुर से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। आओ दरोगा, आओ। ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर का इस हवेली से बाहर जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि म्यूनिसिपालिटी का ऑर्डर आया है कि अगर छोटे ठाकुर हवेली से बाहर जाए तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। क्या बकते हो? बकता नहीं हूँ ठाकुर साहब, पूरा गांव जानता है, गांव वाले जानते हैं कि छोटे ठाकुर का पेट खराब है। अब गांव की गलियों में, खेतों में, खलिहानों में जहां उनका पेट गुड़गुड़ाता है बस लोटा लेके भर जाते। पूरे गांव में गंदगी फैला दी है, उनका इस हवेली से बाहर जाना बंद कर दीजिए। पिताजी हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? हम घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहे हैं। बेटे तू एक हाथ में लोटा लिए घोड़ा कैसे चलाएगा? छोटे ठाकुर जरा उस घोड़े पे तो रहम कीजिए, डॉक्टरों का पेट ठीक नहीं होता, आप हवेली से बाहर क्यों जाते हैं? पिताजी। दरोगा जी ठीक कहते हैं बेटे, तू लोटा लेकर अंदर जा। जाना बेटे, जा जा। ठीक है पिताजी। सुल्तान, जिस तरह तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, बस एक बार तेरे ठिकाने का पता चल जाए। बिल्कुल ठीक, अभी चल जाएगा और सुल्तान का पत्ता भी कट जाएगा। रंगा तू यहाँ? मैं हूँ रंगा, जहाँ भी जाता हूँ मचा देता हूँ दंगा, अपने दुश्मनों से लेता हूँ पंगा, कपड़े पहन कर भी कहलाता हूँ नंगा। काम की बात कर रंगा, काम की। काम की सिर्फ एक ही बात है, मैं आप दोनों से मदद लेने आया हूँ ताकि अपने दुश्मन सुल्तान से बदला ले सकूं। हम तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास कर ले? ये सुल्तान की चाल भी हो सके। दुर्गा ये चाल नहीं, हकीकत है हकीकत। आंखें खोल कर देख, इन जख्मों को देख, ये सुल्तान के दिए हुए जख्म है। सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे जिस्म पर ऐसे ही जख्म है। इन जख्मों के बदले में रंगा को सुल्तान की मौत चाहिए, मौत। उसका पता बता सकते हो? इंस्पेक्टर, वो रहा सुल्तान का अड्डा। सरदार, 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 पुलिस ने हमला कर दिया है। क्या? हाँ, रंगा भी उसके साथ है। क्या? वो हराम का जना अभी तक जिंदा है। साथियों तैयार हो जाओ, चलो। आप दे। ये लो सरदार, चल। Yeah!
बाप के मुंह में। फिक्र मत करो, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। ठीक है जाओ। की मौत की खुशी में ऐसा लगता है जैसे जमीन आसमान गधे घोड़े बैल भैंस सबको एक एक पौवा शराब पिलाऊं और उन्हें कवाली सुनाऊं। कुछ भी कहो दरोगा, सुल्तान बड़ा बदनसीब निकला यार। अपने बाप के कातिल जग्गा डाकू को मारने के लिए खुद डाकू बना। ये तो ये उसने अपनी कलाई पर एक गोली लगाई ताकि उसी गोली से जग्गा डाकू को मार सके। पर क्या करें, बेचारा जग्गा डाकू को तो मार नहीं सका, भगवान को प्यारा हो गया। जग्गा डाकू होता तो मारता ना। क्या मतलब? मतलब ये दरोगा कि ना तो जग्गा डाकू कल था और ना ही आज है। तो सुल्तान के बाप को किसने मारा? मैंने। हाँ मैंने, मैंने उसे मारा था, जग्गा डाकू बनर। क्योंकि सुल्तान का वो हरामजादा बाप नेकी राम किसानों को मेरे खिलाफ भड़काता था, इसलिए एक दिन एकी राम, आज जग्गा डाकू तेरी मौत बनकर तुझसे मिलने आया है। जग्गा, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है जो तू मुझे मारना चाहता है? जग्गा डाकू को तेरी लाश गिराने के पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं, इसलिए अब तेरा मरना बहुत। अरे तू तो ठाकुर जगावर सिंह है। अब रास खुल ही गया है तो सुन, तूने किसानों के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत पैदा की
उन्हें बगावत करने पर उकसाया, मेरे मना करने के बावजूद मेरे खिलाफ तूने अपना काम जारी रखा, इसलिए आज तुझे मारने आया। तुझे कत्ल करने के बाद सारी दुनिया और तेरा बेटा यही समझेगा कि तेरा कत्ल ठाकुर जंगावर सिंह ने नहीं बल्कि जग्गा डाकू ने किया। नहीं ठाकुर नहीं। उसके बाद सुल्तान कई बार हमारे सामने आया, लेकिन जंगावर सिंह के अंदर छुपे हुए जग्गा डाकू को नहीं पहचान सका। कुछ भी कहो ठाकुर, तुम आदमी नहीं हो। मकड़ी का जाल हो जाल, जो एक बार तुम्हारे जाल में फंस गया वो साला निकल नहीं पाया। इसीलिए तो दुनिया का हर पापी हमारी पूजा करता है। ले, भगवान का नाम लेकर पहना हुआ ये मंगलसूत्र वापस ले ले। लगता है बहता हुआ खून देखकर तुझे बड़ी खुशी होती है ना? तभी तो हर तरफ खून की नदियां बहा रही है तू, और उसी बहाव में मेरा सिंदूर भी बह गया। देख देख, मेरी बेटी अनाथ हो गई। बता, एक डाकू और एक तवायफ का इस मासूम मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? और अगर नहीं बता सकती तो एक मां बनकर इस दुनिया में आ, फिर देखना जो दर्द तुझे देवी बनकर नहीं मिला वो दर्द तुझे मां बनकर मिलेगा। कहां जा रही है बेटी तू? ले मां, सुल्तान की अमानत संभाल कर। जिन लोगों ने मुझे कठपुतली बनाकर नचाया है, अब मैं उन्हें मौत के अंगारों पर नचाऊंगी। पुतली पुतली पुतली, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब पुतली सुल्तान के जीवन में आई और उसे खाकर चली गई। उस नचनिया ने तो इस गिरोह का कबाड़ा करके रख दिया है। अरे गोली मारो पुतली को, पहले फैसला तो करो कि अब हमारा सरदार कौन बनेगा। सरदार वही होगा जिसके बाजुओं में ताकत और खोपड़ी में अकल का गोदाम होगा। मेरे पास दोनों चीजें हैं, मैंने कौवे से चालाकी और शेर से लड़ना सीखा है। मुझे देख, बरसों हो गए खून बहाते हुए, धमाके करते हुए, पुलिस अब तक मेरी परछाई पर पैर नहीं रख सकी। ठीक है, अब सरदार बनने के लिए तुम तीनों में मुकाबला होगा। सरदार बनने के लिए चौथे को भी मौका देना होगा। चौथा कौन है री? मैं हूँ मैं। एक औरत हमारी सरदार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तेरी नाजुक कलाई चूड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन इनसे बंदूक नहीं उठाई जाएगी। इन हाथों में मेहंदी तो लग सकती है, अगर ये खून नहीं बहा सकते। जिस औरत ने माँ बनकर तुम्हारे बचपन को खिलाया, पत्नी बनकर दुख दर्द बांटा, बुढ़ापे में लाठी बनकर सहारा दिया, उसे तुम कमजोर समझते हो? तुम तीनों एक एक करके मुझसे मुकाबला करोगे, और कसम है तब तक तुम हाथ नहीं रोकोगे जब तक के कोई फैसला नहीं हो जाता। तो फिर सबसे पहले फैसला मैं करूंगा। Thank you.
मुरली बाई, अब हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। जो जिंदा बचेगा वही सरदार होगा। ले सरदार बनने के लिए पुतली को तलवार की जरूरत नहीं है शेरा। मार डाल मुझे। मारने की शर्त तेरी थी, मेरी नहीं। उठ। ना हक खून बहाना, ना सुल्तान का उसूल था, ना मेरा उसूल है। आज से तेरी सरदारी मैं कबूल करता हूँ पुतली बाई। अब ये जान तेरी अमानत रहेगी पुतली बाई। बोलो पुतली बाई की, बोलो पुतली बाई की। अब सुल्तान का खून रंग लाएगा। रंगा, तू बच नहीं पाएगा। रुक जाओ गांव वालों, मैं तुम्हें यहां मारने या लूटने नहीं आई हूँ, बल्कि ये बताने आई हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करूंगी जो सुल्तान करता था। और हाँ, एक बात तुम लोग जरूर याद रखना, रंगा सुल्तान का कातिल है और वो मेरा मुजरिम है, इसलिए उसे कोई भी पनाह नहीं देगा। और अगर तुम में से किसी ने भी उसको पनाह देने की कोशिश की तो वो अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। चलो। रुक जाओ पुतली, रुक जाओ। ए, रास्ता क्यों रोक रखा है? रास्ता बताने के लिए। क्या मतलब? रंगा मंदिर के पीछे वाले गोदाम में छुपा हुआ है। खबर सच निकली तो तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। मेरा सबसे बड़ा इनाम ये है कि एक औरत को हाथ में बंदूक लेकर जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए मैं देख रही हूँ। पुतली, तुम मुझ जैसी दबी और कुचली औरतों का सपना है जो जुल्म के खिलाफ लड़ना तो चाहती है लेकिन समाज उन्हें बेबस कर देता है। आज तुझे देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। जा, रंगा तेरे हाथों मरने के लिए बेचैन है। चलो। रंगा, पुतली तू? देख रंगा, आज पुतली तुझ पे बहुत की बिजली गिराने आ गई। पुतली? तू डाकू कैसे बन गई? डाकू नहीं, सरदार बोल, सरदार। अरे मैं सरदार, हाँ सरदार बोलता हूँ, सरदार बोलता हूँ। क्यों, क्या आप दो से दस का पहाड़ा बन गई? कील से कुल्हाड़ा बन गई? ढोल से नगाड़ा बन गई? और आज मैं तेरे सर पे अपनी ताकत का नगाड़ा बजाकर तुझे जमीन से उखड़ा हुआ पेड़ बनाकर मौत की भट्टी में झोंक दूंगी। ये गोली।
धोखे से सुल्तान की पीठ पर गोली मारी थी। लेकिन मैं तेरे साथ धोखेबाजी नहीं करूंगी रंगा, मैं वार करूंगी तो तेरी छाती पर वार करूंगी। रंगा, रंगा, भाग गया साला, भाग कर जाएगा कहां बिन पिंदे का लोटा। पिताजी आखिर ये मनुष्य लोटा मेरा पीछा कब छोड़ेगा? बेटे जिस दिन तेरा पेट ठीक हो जाएगा। ठाकुर, ठाकुर, मुझे बचा लो ठाकुर, वरना वो मेरी जान ले लेगी। तेरी जान कौन लेगी? अरे वो पुतली भाई जो डाकुओं की सरदारनी बन गई है। क्या पुतली डाकू बन गई? अचानक ही मेरे पर हमला किया और मैं अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास आ गया ठाकुर। अरे बाप रे, पिताजी मेरा लोटा। रंगा, मैंने तेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई, सुल्तान को मरवा दिया, अब तेरा काम और मेरा खेल खत्म हो गया। नहीं ठाकुर, खेल तो अभी डुबडुबी का चालू हुआ है। तुम्हें पता है पुतली बाई ने अपनी कलाई पर एक गोली लगाई हुई है, उस पर किसका नाम लिखा है, किसका नाम लिखा है, चलो जाने दो। वैसी गोली सुल्तान की कलाई पर लगी थी, उस पर पता है किसका नाम था, जग्गा डाकू का। पुत्री भाई, कभी भी वो गोली तुम्हारे सीने में उतार सकती है। चूड़ियां पहनने वाले हाथों में गोली अच्छी नहीं लगती। ना 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 ना, औरत चाहे डाकू क्यों ना बन जाए, औरत औरत ही रहती है, उसके दिमाग में थोड़ी सी कमी होती ही है। नहीं दरोगा, नहीं, कोई कमी नहीं, पुतली बहुत चालाक है, वो पहले से ही अपना अड्डा बदल चुकी है। नहीं नहीं नहीं, अड्डा बदल लेने से औरत अपना दिल नहीं बदल सकती। पुतली डाकू होने के साथ साथ एक माँ भी है, और माँ का दिल उसकी संतान होती है। दरोगा तुम समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है ठाकुर साहब, ऐसा जाल बिछाऊंगा पुतली खुद फंसने आ जाएगी। कोई बीमारी नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब, ये दो दिन से इतना रो क्यों रही है? दरअसल इसे माँ के दूध की सख्त जरूरत है। क्या? अगर इसे माँ का दूध नहीं मिला तो हो सकता है ये बचे नहीं। बहुत क्या होगा? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है। माँ अब क्या होगा? ए डॉक्टर, बच्ची की तबीयत कैसी? हालत बहुत खराब है, माँ के दूध के लिए तड़प रही है, ना मिलने पर मर भी सकती है। ठीक है, तुम जाओ। माँ की ममता और मेरी मकारी में टक्कर होगी। माँ बच्ची को दूध पिलाने झक मार के आएगी और मेरे हाथों पकड़ी जाएगी। क्या? मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे उसकी माँ का दूध नहीं मिला तो वो मर जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी गाँव जाऊंगी। कैसे जाओगी? हरनाम चौधरी ने तुम्हारे घर को चारों तरफ से घेर रखा है। पुलिस के घेरे को तो पुतली अपने घेरे में ले लेगी। आओ पुतली आओ, तुम्हारा ही इंतजार था, आखिर तुझे आना ही पड़ा ना मेरे हाथों गिरफ्तार होने के लिए। हैं? रुक जा पुतली, अब तू बच नहीं सकती है, मौत के मुंह में खुद चल के आई है। सिपाहियों
गिरफ्तार कर लो इसे। ये क्या बेवकूफी है? अगर अंधा नहीं है तो मुड़ कर देख, ये सब तेरे सिपाही नहीं मेरे साथी हैं। और तेरे साथी वो देख बंधे पड़े हैं। अरे औरत जब आन पर आती है तो आसमान को भी झुका लेती है, और तेरी तो कोई औकात ही नहीं है कमीने। शेर सिंह इस गीदड़ का जरा ख्याल रखना। जी। दरोगा बाबू मुंह बंद कर लो नहीं तो लाट टपक जाएगी। मेरी गुड़िया रो मेरी बच्ची मत रो, मैं आ गई हूँ मैं आ गई हूँ। मत रो मेरी बच्ची मत रो। मेरी बच्ची भूख लगी है। दोनों को भैया के पास छोड़ आती हूँ, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। हाँ चल। दरोगा एक बात तू अपनी गांठ में बांध ले, आज के बाद माँ की ममता से कभी मत टकराना, क्योंकि कभी नहीं हारती। और जिस दिन ये ममता हार गई ना, उस दिन लोग माँ के दूध की कसम खाना छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब तुम्हारी नई दवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे इस लोटे और पानी की कोई जरूरत नहीं। पिताजी ये तो कमाल हो गया ना। बेटे शुक्र है कि तेरा इस लोटे से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट गया। भाई डॉक्टर हमने और भी बड़े बड़े डॉक्टरों के इलाज कराए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर तुमने हमारे बेटे को ऐसी कौन सी दवा दी जिससे ये बिल्कुल ठीक हो गया? इस बार मैंने बिल्कुल नया प्रयोग किया है ठाकुर साहब, आप भी क्या याद रखेंगे? हाँ भाई हम उस प्रयोग के बारे में जानना चाहेंगे। आप अगर मेरी जिंदगी बख्श दें तो मैं बताऊं। डॉक्टर तुमने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है, निडर होकर बताओ। इस बार दवा मैंने गधे के कान, कुत्ते की जुबान, चील के सड़े हुए अंडे, उल्लू की आंख से टपका हुआ आंसू, कौवे की बीट और घोड़े की लीद मिलाई है ठाकुर साहब। क्या? हाँ घोड़े की लीद। मर गया। इससे पहले कि मेरा गुस्सा बेकाबू हो जाए चला जा यहाँ से। आपने पूरा नुस्खा सुने बगैर मुझे तमाचा मार दिया ठाकुर साहब, मैंने इसमें और भी कुछ मिलाया है। भागता है या गोली मार दूं? काली सुअर की तुम का बात। तू क्या आया यहाँ? मैं तेरे साथ उरूर करने आया हूँ। क्या मतलब? कपड़े धोना छोड़ और चल मेरे साथ। मैं पुतली की बहन हूँ पुतली की, मुझे कमजोर मत समझना।
अब मैं बताता हूँ कि मुझ में कितना जोर है। तू अपने घिनौने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुझे एक हफ्ते की मोहलत देता हूं, मुझे पुतली बाई जिंदा या मुर्दा चाहिए, वरना मैं तेरा पुतला बनाकर चौराहे पर लटका दूंगा जिस पर लिखा होगा हरनाम चौधरी स्वर्गीय। ठाकुर साहब, मुझे आपके दुख का अंदाजा है और साथ में इंतजार भी। किसका? राखी के त्योहार का। अरे तुम लोग भूल गए, आज राखी का त्योहार है। आज बरसों बाद तेरा भैया विक्रम उसे राखी बनवाने आ रहा है। बात है पुटली से राखी बनवाने जा रहा है। हाँ जा रहा था, मगर अब नहीं जाऊंगा। ठीक है, मत जा, हमें उसका पता दे दे। डर होगा, तुझे ये तो पता ही हो कि राखी और बहन की रक्षा का बंधन कितना मजबूत होता है। मैं किसी भी कीमत पे अपनी बहन का पता नहीं बताऊंगा। हरामजादे, इतनी गोलियां मारूंगा कि तेरी लाश आटा छानने वाली छलनी बन जाएगी, समझा?
और फिर तेरा नाम उन बेवकूफ में लिखा जाएगा जो छन्नी में दूध धोते हैं और फिर सर पर हाथ रख के रोते हैं। हराम जादे, तू ऐसे मानने वाला नहीं। हराम जादे, बुल्ली भाई का बड़ा बड़ा नहीं बताऊंगा, नहीं बताएगा, नहीं बताऊंगा। देख मार कर उसे मत बोला, बेचारी भरी जवानी में विधवा हो चुकी है, उसे मुझे उसके पास ले चल। हरामजादे, बैंक के बारे में सब बोलता है, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, कमीने, तेरा खून पी जाऊंगा मैं, तेरा खून पी जाऊंगा कमीने कुत्ता। मर गया शाला, सीधा बनने का मौका हाथ से निकल गया, बेवकूफ कहीं का। चलो बांधो दीदी, मैं पूछती हूँ किसने मारा तुझे? दीदी दीदी, मेरे पास सात सौ पाँच काम है दीदी, विक्रम मरने से पहले हमारी हमारी आखिरी इच्छा पूरी करो दीदी, राखी राखी बांधो दीदी। हाँ भैया, हे भगवान, मेरे भैया को मुझसे मत छीन, इसको लंबी उम्र दे भगवान। मेरा भैया 100 साल जिए, आप तो बता किसने मारा तुझे? दीदी सर, मैं जानना चाहता हूं कि तुमने पुतली के भाई को गोली क्यों मारी? उसने मुझ पर हमला किया था सर। ये क्यों नहीं कहते कि ठाकुर के इशारे पर उसके बेटे के खून का बदला लेने के लिए तुमने पुतली के भाई का खून किया है? ये झूठ है सर। शट अप, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि पुतली को डाकू बनाने के पीछे तुम्हारा और ठाकुर दोनों का हाथ है। अरे ठाकुर तो है ही पैदाइशी कमीना, लेकिन तुम वो दोगले दलाल हो जिसके अंदर की खाल में ठाकुर ने अपनी जूती की मोहर लगा रखी है और ऊपर की खाल को तुमने पुलिस की वर्दी से ढक रखा है। सर लेकिन मेरी बात तो सुनो। बात, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, अब भी वक्त है, सुधर जाओ और ठाकुर की झूठी शराब पीना छोड़ दो, वरना आहे न भरी शिकवा ना किया, कुछ भी ना जुबान से काम लिया, हम दिल को पकड़ कर बैठ गए, हाथों से कलेजा थाम लिया। लगता है आपको कव्वाली सुनने का बहुत शौक है। अरे जाने मन, कव्वाली तो मेरे नस नस में बसी है, जब भी तबला और तालियों का संगम सुनता हूँ तो मेरे दिल में दमदम होने लगती है। अच्छा, हाँ कल मैं कवाली सुनने टनकपुर जा रहा हूँ, वहाँ दो कवालों के बीच मुकाबला होगा, लेकिन उससे पहले अगर ठाकुर को इस बात की खबर हुई कि मैं आपके साथ थी तो? अरे तो क्या हुआ, क्या मैं उसे डरता हूँ क्या? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं उसके बहुत सारे राज जानता हूँ। कौन से राज जानते हो? सुल्तान के बाप को किसने मारा था? तुम्हें
पता है? किसने मारा था? मुझे पता है, मुझे। सुल्तान के बाप को मारने वाला वो जग्गा डाकू कौन था? तुम जानती हो? नहीं, बताइए ना। वो जग्गा डाकू, वो जग्गा डाकू, जग्गा डाकू, जग्गा डाकू। तो दरोगा को कवाली सुनने का बहुत शौक है। एक और काम की बात मालूम हुई पुतली। वो क्या? हरनाम चौधरी जानता है कि सुल्तान के बाप का कातिल कौन है। कौन है वो? यही तो गड़बड़ हो गई पुतली। नशे में धुत होने के कारण हरनाम चौधरी कातिल का नाम बताने से पहले ही बेहोश हो गया। कोई बात नहीं, सुल्तान के बाप के कातिल का नाम तो मैं उससे खुद उगलवा लूं। कवाली कहाँ है? टनकपुर। पता नहीं आपने क्या जादू कर दिया है कि मुन्नी बाई आपकी दीवानी हो गई है। अच्छा? आप बैठिए, मुन्नी बाई आती ही होगी। तो फिर उन्हें जरा जल्दी बुलाइए ना। पहले पहले उनके नरम नरम हाथों से एक पान खाऊंगा, हाले दिल सुनाऊंगा और फिर गले लगाऊंगा। हम तो खुद आपके गले का हार बन के आपकी गर्दन से लिपटने के लिए बेकरार है दरोगा बाबू। तो फिर देर किस बात की? नकाब हटाइए, बिजली गिराइए और हमारे हो जाइए। नकाब भी हटेगा, बिजली भी गिरेगी, क्योंकि आपको देखकर मेरी नस नस में आग लग गई और खून तो इस तरह से खौलने लगा है जिस तरह पहाड़ों का सीना चीर के खौलता हुआ लावा निकलता है। तू? तेरी पिस्तौल उधर है। छब्बो, जा, ऊपर का दरवाजा बाहर से बंद कर दे। क्यों दरोगा? तुझे बंद कमरे बहुत पसंद है ना? याद है जिस कमरे में तूने मुझे बंद किया था, उस कमरे में मच्छर मुझे कवाली सुनाने वाले थे। आज आज ये हंटर तुझे कवाली सुनाएगा और कवाली सुन के तू मौत का मुजरा करेगा। याद कर दरोगा, मेरा भाई भी ऐसे ही चीखा था। पुरली, मुझे गोली मत मार। मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। तू कहेगी तो तेरे बंदूक की नली साफ करूंगा, तेरे घोड़े की मालिश करूंगा और हाँ, कवाली सुनना भी बंद कर दूंगा। बता, सुल्तान के बाप का कातिल कौन था? मुझे कुछ नहीं पता। बता। बता रहा हूँ। सुल्तान के बाप को जगह डाकू बनकर ठाकुर जगावर ने मारा था। अब ठाकुर जगावर सिंह की बारी है। ठाकुर! ठाकुर जगावर सिंह हरामजादे, बाहर निकल, कहाँ है तू? पुतली, पुतली गजब हो गया। ठाकुर आज सुबह सुबह गांव से बाहर चला गया। कोई बात नहीं, बचकर किधर जाएगा? उसके बही खाते कहाँ हैं? मुझे पता है, आओ मेरे साथ। इसमें है। अरे
छुटकारा मिल गया है। जाओ आज से तुम सब आजादी की रोटी खाओ और खुशियों के गीत गाओ। मुत्ती बाई जिंदाबाद, मुत्ती बाई जिंदाबाद, मुत्ती बाई जिंदाबाद। मैं जानता था हरनाम जैसे बेईमान पुलिस अफसर का यही अंजाम होता है। उसने कितने गरीब लोगों का खून बहाया है। ऐसे बेईमान पुलिस वालों को ऐसा ही इनाम मिलता है। लेकिन पुतली के आतंक को भी तो रोकना होगा। मेरे पास है। हरामजादे! गोली चलाने की गलती मत करना, वरना वो रंगा है ना, वो बहुत पागल है। वो तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा। नहीं। ठाकुर को ठोकरे मारकर तू इस तरह खुश हो रही थी जैसे चिड़िया अपने अंडे से बच्चे को निकलता हुआ देखकर किलकारियां मारती है। मेरी बेटी दे दे ठाकुर, वापस कर दे उसे, नहीं तो नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा लोहे की छुरी लोहार को आंखें दिखा रही है हाँ? तू इतनी जल्दी भूल गई कि मेरी एक चोट ने तेरा ये मुंह कुचल कर रख दिया, तेरे पूरे गिरोह को चींटी की तरह मसल कर फेंक दिया। आखिर तू चाहता क्या है ठाकुर? अब आई है गाड़ी कच्ची से पक्की सड़क पर, अब आई है। अगर तू अपनी बेटी की जिंदगी चाहती है तो इन बही खातों पर गांव वालों के अंगूठे लगवा दे। ले 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 ले, अरे ले ले ना। अगर मैं चाहता तो गांव वालों की खोपड़ी पर बंदूक रखकर यह काम करवा सकता था, मगर मैं ये काम तेरे ही हाथों करवाना चाहता हूं, ताकि तेरी जय जयकार करने वाले तुझे गालियां दें, तेरे मुंह पर थूकें। अच्छा एक काम कर, ये बही खाते ले जा, गांव वालों के अंगूठे लगवा दे, काली पहाड़ी पर आ जा और अपनी बेटी को ले जा। मगर याद रख, अगर तुझसे देर हुई तो हो सकता है कि मुझसे अंधेर हो जाए। लगा, मैं कहती इस बही खाते पे अंगूठा लगा। लगाता हूँ। ठीक है, और सुन लो गांव वालों, जिसने भी इनकार करने की कोशिश की वो मारा जाएगा। पुतली, ये क्या हो गया तुझे? क्या कर रही हो तुम? पुतली, तुम जुल्म भी कर रही हो और रो भी रही हो। मेरी बच्ची ठाकुर के कब्जे में है, अगर इन बही खातों पर अंगूठे नहीं लगे तो वो उसे मार डालेगा। क्या? हाँ छप्पो। कमीनी, कहती
अतिथि सुल्तान जैसा सुलूक करूंगी तुम लोगों के साथ। नाटकबाज है ये पूरी नाटकबाज, क्योंकि थी तो तवाए भी ना, तभी तो बिकी ठाकुरों के हाथ। थू कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, कमिश्नर साहब, पुतली को बचा लीजिए। क्या वो पुतली को? पुतली की बेटी ठाकुर के कब्जे में है, वो पुतली और उसकी बेटी को। आई मेरी प्रिय आ गई। पुतली भाई आओ। ले ठाकुर, मैंने तेरा काम कर दिया, अब तू मेरी बेटी वापस कर दे मुझे। नहीं पुतली, नहीं नहीं, मैं इस इंतकाम की कहानी को दोहराने के लिए किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुल्तान के बाप को मारते वक्त मैंने सुल्तान को जिंदा छोड़ दिया था, और जिंदगी भर वो मेरे नाम की गोली लेकर घूमता रहा, लेकिन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अब वो गोली तूने अपनी कलाई में बांध ली है। मैं नहीं चाहता कि तेरे मरने के बाद तेरी बेटी इसी गोली से मेरा सीना चीरने की कसम खाए, इसलिए मैं आज तेरी बेटी को जान से मार दूंगा। नहीं ठाकुर, तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? औलाद के नाम पर तेरा कलेजा फट गया हु? अपने जवान बेटे की लाश देखकर मेरा भी कलेजा फट गया था। अब मैं अपना कलेजा सीने के लिए तेरी बेटी की लाश से सुई का काम लूंगा। वो देख, मेरी बेटी की जिंदगी उस चट्टान पर टिकी हुई है, और चट्टान से बंधी हुई रस्सी रंगा के हाथ में है। रंगा रस्सी खींचेगा तो तेरी बेटी पके हुए आम की तरह टपक जाएगी। नहीं ठाकुर, नहीं, ऐसा न्याय मत करना, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। ये ले, मैं तेरी कमर में, नाजुक कमर में रस्सी बांध देता हूँ। मैंने रस्सी बांधी। देख पुतली, देख भाई, ये रस्सी 3 फुट ढीली है। पुतली एक बात याद रखना, ये 3 फुट रस्सी से अगर तू बाहर गई तो समझो वो तुम्हारी बच्ची वो भी पुलिस खबरदार, कोई अपनी जगह से लेकर आई, अपने आप को कानून के हवाले कर दो साहब। ओ झब्बो तू तो कमीनी, तूने मेरे साथ ये गद्दारी की है। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है ठाकुर, और आज आज मैं वो घड़ा फोड़ के रख दूंगा। अगर कुछ दिन और जिंदा रहना चाहता है ठाकुर तो हथकड़ी पहन ले, नहीं तो कफन पहना दूंगा। नहीं कमिश्नर साहब, इसे कफन तो मैं पहनाऊंगी, नहीं तो मेरी कसम अधूरी रह जाएगी। पुतली, समंदर और तूफान को आज तक कोई कफन नहीं पहना पाया, और इन दोनों की ताकत मेरे अंदर है। इतिहास गवाह है ठाकुर कि जिन्होंने भी तूफानों का रुख मोड़ने की कोशिश की या समुंदर का सीना चीरने की कोशिश की, वो मिट्टी में मिल गए, राख बन के बिखर गए। चल, आग से मत खेलो कमिश्नर, वरना जल जाओगे। Thank you.
मुझे दे दे और खत्म कर दे इन पापियों को। चुका है तू रंगा, ले अब मेरे हाथों मौत की लस्सी पी। भरम कैसे टूटता है ये देख। कसम को सुल्तान की दी हुई इस गोली से पूरा करूंगी। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली ना? कमिश्नर साहब, मेरा मकसद पूरा हो गया, अब मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं पुतली, ये डाकू की मौत पर आंसू नहीं, ये उस शराफत की मौत पर आए हैं जो तुम्हारे अंदर छिपी है। शराफत को अगर जिंदा रखना चाहते हैं कमिश्नर साहब, तो मेरी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक शरीफ इंसान बना दीजिएगा। वादा कीजिए कमिश्नर साहब, बनने वाली की आखिरी तमन्ना
पूरी करेंगे, वादा कीजिए। हाँ पुतली, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ। पुतली, आज मैंने अपना वादा पूरा किया। यह है तुम्हारी बेटी टीना। मां, पिताजी, आज मैं आप दोनों की कसम खाती हूं कि आज के बाद वो हालात ही नहीं पैदा होने दूंगी जिनकी ठोकर खाकर फिर कोई सुल्तान, फिर कोई पुतली डाकू बनी।